गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग एस्टिनो चैनल। आज हम स्टैंडर्ड और एडवांस आउटलाइंस के थर्ड सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो हमने मेगा सीरीज शुरू किया था आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट वर्ड इज इन दिस रिस्पेक्ट। इन दिस रिस्पेक्ट वी विल राइट लाइक इन, लिख दिया हमने, दिस लिख दिया, and respect can be written like this one, in this respect. But today here we are studying advanced phrases, so we will have to make some changes in the way of writing. So how will we write this? The important thing is that in this respect, yesterday I taught you or in the last series I taught you that whenever you have to write this, you can use S symbol. यू कैन यूज एस सिंबल। जब भी आपको दिस लिखना हो तो आप एस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर गौर से देखो तो इसमें दिस, इसमें भी दिस है, और इसके फर्स्ट वर्ड में जो रेस्पेक्ट है, इसके फर्स्ट वर्ड में भी एस वर्ड का, एस लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इट मीन्स ये डबल एस बनने वाला है, राइट? तो हमने इन लिख दिया, और एक दिस में हम लोग एस लगाया ये दिस के लिए, और एक रेस्पेक्ट वाला एस इसमें हमने ऐड कर दिया, और ये पी डिनोट करेगा रिस्पेक्ट को। तो ये इन दिस रिस्पेक्ट हो गया। आप इसको नेसेसिटी से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये पी स्ट्रोक हमने बनाया है, राइट? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स लिखना बहुत ही आसान है। वी कैन राइट लाइक कोऑपरेटिव, हम लोग क को बड़ा करते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाते हैं, ये कोऑपरेटिव होता है। और बैंक्स के लिए हम लोग इसको बंस से कैंसिल कर देते हैं। अगर कोऑपरेटिव बैंक आए तो केवल कोऑपरेटिव लिखकर हम लोग बी एन से भी कैंसिल करते हैं, अदरवाइज केवल बी से भी कैंसिल किया जा सकता है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस। ये डिपेंड करता है आप किस स्पीड पर लिख रहे हो, आपको कितनी जल्दी है लिखने की, और आपके पास कितना पकड़ है शब्दों के ऊपर। नो द नेक्स्ट टर्म, नो द नेक्स्ट टर्म इज विद दिस इन व्यू। विद दिस इन व्यू, विद दिस इन, इसमें यू हमने लगा दिया, तो ये विद दिस इन व्यू हो गया, है ना। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज विद दिस एंड ऑफ व्यू, है ना। तो विद दिस एंड, एंड में हमको व्यू लगा देना है, ठीक है। विद में हम लोग को यहाँ पे एंड में यू लगा देना है, इसको पढ़ेंगे विद दिस एंड ऑफ व्यू। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ऑफ तो आपने बनाया नहीं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने ऑफ नहीं बनाया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि विद दिस एंड इन व्यू नहीं होता, फोर व्यू नहीं होता, टू व्यू नहीं होता, ये हमेशा ऑफ व्यू ही होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट आई हैव टेकन टुडे इज यू शुड नॉट हैव नोटिस्ड। यू शुड नॉट हैव नोटिस्ड, यू लिख देंगे हम, शुड का स्ट्रोक हमने बना दिया, नॉट के लिए एन को छोटा करेंगे, यू शुड नॉट हैव नोटिस्ड के लिए केवल हम टिस्ट लिखेंगे, है ना। डैट्स ऑल। यू शुड नॉट हैव नोटिस्ड, यू शुड एन को छोटा किया, हैव लिखा और टिस्ट लिख दिया, यू शुड नॉट हैव नोटिस्ड। Now the next term is in the last 2 years, in the last, in the last टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नंबर भी दे सकते हो, अदरवाइज आपको टू लिखना ऐसे पता होगा, है ना। ये हम लोग ग्रामर लोगों से पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। इन द लास्ट टू ईयर्स, वेरी सिंपल, इट कैन बी रिटन वेरी इजिली। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बहुत ही ईजी है। आप इसको कई तरीक़ों से लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट अगर आप इसको ऐसे लिखो, यू लिख दो आप, ये यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करेगा, और चूंकि यहाँ पे स्टेट्स है, यहाँ पे एस इधर भी आ रहा है और एस इधर भी आ रहा है, तो ये डबल एस का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा, तो आप डबल एस यहीं पे ऐड कर सकते हो, और अमेरिका के लिए केवल आप का लिख सकते हो, और इस पे इसके नीचे आप डबल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देना, ताकि ये मालूम चले कि ये प्रॉपर नॉन है, है ना। तो यूनाइटेड के लिए हमने केवल यू लिखा, और स्टेट्स में चूंकि डबल एस आ रहे थे इसलिए हमने डबल एस का हुक बनाया, और अमेरिका के लिए केवल हमने क से डिनोट कर दिया। ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट आई हैव टेकन टुडे इज यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR। राइटिंग दिस वन इज वेरी इजी। यू कैन राइट लाइक, आपको पता है यू ऐसे लिखते हैं, है ना, ये बाई ओ यू वाला यू अगर देखा जाए तो ये बाई वाला है ना, हमने यूज करा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको चाहो तो देखो, आप इसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड को हमने ऐसे लिखा था, तो आप यू से भी लिख सकते हो, ये कोई टफ बात नहीं है। सोशलिस्ट आ रहा है, सोवियत सोशलिस्ट, यहाँ पे भी डबल एस आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आर को यूज करके, क्योंकि रिपब्लिक है,
है ना। लेकिन ये थोड़ी लिखना टफ होती है ना, ये एट द पॉइंट ऑफ टाइम ये लिखना टफ हो जाता है ना। ये लिखना, ये यहाँ से ऐसे इसको वेंड करके इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना थोड़ा टफ होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन के लिए हम लोग बाई का हेल्प लेंगे, है ना, क्योंकि बाई ओ यू ऐसे हिंदी में आप लिखोगे तो यूनियन लिखे जाते हैं। तो यूनियन सोवियत और ये सोशलिस्ट दोनों के लिए हमने डबल एस का इस्तेमाल किया, और रिपब्लिक के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ आएगी, यह है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इकोनॉमी और इकोनॉमिक, है ना। राइटिंग दिस वन इज ऑल्सो ईजी। एक तो ऐसे लिखते हैं, लाइन के नीचे भी इकोनॉमिक को लिखा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट को भी लिख सकते हैं हम लोग, और भी कई चीज़ें ऐसे जिसको लिख सकते हैं डिनोट करने के लिए, है ना, कोडिंग बेसिकली करने के लिए। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इको ये न हो लगा दिया, यम्मा हो गया इकोनॉमी, और ये इकोनॉमिक है तो इसको ऐसे कर देंगे, इकोनो की इको इकंग की, तो ये क न की से हो गया क्लियर इकोनॉमिक का, और ये क न म से क्लियर हो गया इकोनॉमी का, है ना। सो राइटिंग दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी। तो आप बने रहे हमारे साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ना, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और लगातार वीडियोज को देखते रहें। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइटिंग दिस वन इज ऑल्सो ईजी। इकोनॉमिक हमने ऐसे लिखना सिखा दिया। डेवलपमेंट के लिए हम डी से इंटरसेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट के लिए हमने डी से इंटरसेक्ट कर दिया, ये डेवलपमेंट हो गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये बहुत ही ईजी है, आप पहले इकोनॉमी को आप ऐसा लिख लो, इकोनॉमी लिखना सिखा दिया यहाँ पे, ये इकोनॉमी थी, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे डेवलपमेंट पहले आ रही है, इसलिए हम लोग डी को पहले लगाएंगे, और का को ही हम लोग डी से इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे का वाले लाइन को लास्ट में इंटरसेक्ट कर रहे थे, क्योंकि डेवलपमेंट लास्ट में आ रही थी, यहाँ पे डेवलपमेंट पहले है, इसलिए हमने शुरुआत में ही का को इंटरसेक्ट किया डी के साथ। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आई टेक, और दिस के लिए केवल एस लगाएंगे, और अपॉर्चुनिटी के लिए जैसे हम लोग ग्रामर लोगस में याद किया वैसे हम लोग यूज करेंगे, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी। अगर रहेगा आई टेक डैट अपॉर्चुनिटी, देन हाउ विल बी राइट दिस, वेरी इजी टू बी रिटन, आई टेक डैट अपॉर्चुनिटी, है ना। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टू से अ फ्यू वर्ड्स। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है ना। जो सबसे ईजी मेथड है और एडवांस फ्रेजेस का है वो ये है, टू से वर्ड्स कोई वर्ड नहीं होता है ना, टू से वर्ड्स कोई वर्ड नहीं होता, या कोई ऐसे यूज नहीं होते, टू से अ फ्यू वर्ड्स ही यूज होता है। तो टू से वर्ड्स लिखेंगे, टू और ये एस से, ये से को डिनोट करेगा और ये वर्ड्स को डिनोट करेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू से एस से, ये से को डिनोट करेगा और ये फ्यू लिख दिया हमने, और ये वर्ड्स के लिए आर को छोटा करेंगे और एस लगा देंगे, टू से या फ्यू वर्ड्स। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक को प्रेफर कर सकते हैं, मीन्स वट एवर इज और विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी लिखना बड़ा ही आसान है, आप फ लिखो और नीचे एस टी से संस को काटो। हमने इंस्टीट्यूशंस लिखा सिखाया आपको इसी सीरीज के पार्ट वन में, पार्ट वन और पार्ट टू वीडियोज दोनों मैंने सिखाया है, ये पार्ट थर्ड वीडियो बन रही है ना। सो प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे कई तरह की बेनिफिशियल चीज़ें आपको स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मिलती रहेगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको जो भी चीज़ें मिलेगी वो बिल्कुल ही अपडेटेड मिलेगी और उससे वेस्ट नहीं मिल सकती, एज आई होप। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बी रिटन लाइक, एफ लिख दिया हमने, इसमें एस टी हुक लगा दिया और इसको संस कर दिया, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब रहेगी फिनेंशियल पोजिशन, हाउ विल बी राइट दिस, तो कुछ नहीं करना है क्योंकि पोजिशन है, जीसन पे ध्यान देना है, यानी कि ससन हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे शॉर्ट में एस टी और सन आ रहा था, इसलिए हमने एस टी से किया, यहाँ पे एस में सन आ रहा है तो एस में हमने स कर दिया, ये फिनेंशियल पोजिशन हो गया, है ना। अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, अगर कोई वर्ड्स अगर ये आपका मैच कर रहा हो तो। द नेक्स्ट टर्म इज बाई ऑल इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। बाई ऑल इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी कैन बी रिटन लाइक बाई ऑल, है ना, ये हो गई बाई। देखा जाए तो ऑल के लिए हम अगर अलग से लिखते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी आउटलाइन, है ना, हमको छोटी बनानी है, तो ऑल के लिए हम एल हुक का भी इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना, बाई ऑल इम्प्लॉइज लिख दिया हमने, बाई ऑल इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए क से यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और क से इसको ऐसे इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, नो मैटर, बाई इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, वेरी इजी टू बी रिटन। नाउ द
आपको बता दूं कि यहाँ पे इंग्लिश का क्लास जो है वो आदित्य सर के द्वारा लिया जा रहा है, और हिंदी की जो डिक्टेशंस और आउटलाइंस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी व्हेन देर इज़ अ नीड एंड अपील फ्रॉम योर साइड्स, वो रंजन अभिषेक सर लेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये 14 नंबर टर्म है, ये टर्म है दिस इज नाइदर द टाइम नॉर द ओकेजन, है ना, ये ना कोई समय समय है और ना कोई अवसर है किसी काम को करने का, है ना, हम लोग ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं। दिस इज नाइदर द टाइम नॉर द ओकेजन कैसे लिखेंगे देखते हैं। दिस इज, है ना, दिस इज लिख दिया हमने, ये नाइदर, ना को बड़ा किया नाइदर हो गया। दिस इज नाइदर द टाइम, यहाँ पे हम लोग द को नहीं लिखेंगे, ठीक है, द को हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि नाइदर के बाद द टाइम ही आएगा, और यहाँ पे टाइम के साथ जैसे नॉर को यूज करेंगे और इसमें सन लगा देंगे, या ओकेजन को डिनोट कर रहा है। दिस इज नाइदर द टाइम नॉर द ओकेजन, वेरी इजी। अब आगे देख लेते हैं, ये बातें हो गई। दिस इज नाइदर द टाइम नॉर द ओकेजन, लेट मी जूम इट सो डैट यू कुड सी इट वेरी क्लियरली, है ना, दिस इज नाइदर द टाइम नॉर द ओकेजन। मैं एक बार और फिर लिख के सिखा देता हूँ आपको, दिस इज न को बड़ा कर दिया, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, माँ टाइम के लिए हमने माँ लिखना सिखाया आपको, नॉर द ओकेजन्स, ओकेजन्स रहेगा तो सर लगा देंगे, अदरवाइज नो रिक्वायर्ड। एज हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड, तो एज हैज़ के लिए डबल एस लगेगी, क्योंकि एक एज के लिए एस लगा, एक हैज़ के लिए, रेडी बीन, तो रेडी के लिए आर को छोटा किया, इसमें एन हुक लगा दिया, ये एज हैज़ ऑलरेडी बीन हो गया, और मैंशनड के लिए हमने मेंशन को लिख दिया, ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज हैज लग गई यहाँ पे, तो ये V3 फॉर्म में ही आएगा उसके आगे आने वाले वर्ब, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली मेनी टाइप ऑफ थिंग्स विच यू शुड हैव नॉलेज इन बेसिक सेंस और बींग स्टूडेंट और बींग एन एस्पायरेंट ऑफ स्टेनोग्राफर। एज हैज, है ना, इसके लिए लिखा हमने ऐसे, र को छोटा किया, इसमें एन हुक लगाया, और मेंशन के लिए मेंशन लिखा है ना। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत ईजी है, आप आराम से लेडीज एंड जेंटलमैन, आप केवल यहाँ पे मैन लिख दो, है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए यहाँ पे आप मैन लिख दो, ये ले को बड़ा करो और मैन लिख दो, ठीक है। एग्जैक्टली बताया जाए तो किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, ये बस लिखने की एक तरीका है ना, जिसको कोडिंग बोल सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, और ये ऐसे रैंडमली इसलिए लिखे गए क्योंकि ये एक्चुअली साथ में दिखते हैं बहुत टाइम पे, डिक्टेशन कभी कभी इसी से शुरू ही होती है, तो लोगों ने इसको कोड कर दिया, एक्चुअली में ये कोई रूल्स को फॉलो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई टाइम में होते हैं, आपको ऐसे कई वर्ड्स से मैं परिचित करवाऊंगा जिसका एक्चुअली रूल्स से कोई मतलब नहीं होता, वो खुद कोड किया हुआ एक टर्म होता है, खुद कोड किया हुआ एक आउटलाइंस होती है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आई हैव ग्रेट प्लेजर, आई हैव ग्रेट, ग्रह को छोटा करेंगे, प्लेजर के लिए प्लेजर लगा देंगे, बहुत ईजी है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ऐसे लिखे जा सकते हैं। मैं बता दूं कि आपको जितना भी आउटलाइंस पढ़ाया जा रहा है, आप मिनिमम इसको 3 to 4 times आप इसको राइट डाउन करो, है ना, आप वीडियोज को बार बार देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, है ना, फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा क्लियर हो पाएगी, है ना, कोई डॉट नहीं बचेगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टू से अ फ्यू वर्ड्स, ये रिपीटेड है, अभी हमने बता दिया था, ये दोबारा ले लिया गया, सॉरी फॉर डैट, टू से अ फ्यू वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिनको थोड़ी अगर प्रॉब्लम हो रही लिखने में तो आप यहाँ पे भी आर को छोटा करके वर्ड्स लिख सकते हो, है ना, ये हमने पहले भी बता दिया है। आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो, हमने आई सिखाया था कि आई के साथ बोर्ड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क को छोटा किया लाइक टू हो गया, और नो के लिए ऐसे लिख दिया, आई वुड लाइक टू नो। लिविंग कंडीशंस, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, ली लिखते हैं और इसमें सन्स को ऐसे कर देते हैं, लिविंग कंडीशंस, कंडीशंस है तो ये तो कंडीशंस हो गए, ये डिसन हो गए, इसमें सा लगा दिया, लिविंग कंडीशंस। अब अगर रहेंगे लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल, तो लिविंग कंडीशंस हो गए ये, इसे पीपल के लिए केवल पी लगा देंगे, है ना, क्योंकि पीपल की ही लिविंग कंडीशन हो सकती है ना, एनिमल की भी हो सकती है, तो एनिमल के लिए यहाँ पे पी नहीं आएगा ना, वहाँ पे तो एन आएगा या एम आएगा, लिविंग कंडीशंस ऑफ द एनिमल ऐसे कभी यूज होते नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे होते हैं, ये पीपल ये एनिमल, ये पीपल ये एनिमल, सॉरी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इट इज नेसेसरी, तो इट इज हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर हम लोग एन को कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको क्लॉकवाइज लिखने की कोशिश किया, और क्योंकि आगे सेस भी आ रहा है नेसेसरी, तो डबल एस कर दिया और री लिख दिया। अगर रहेगा इट इज ऑल्सो नेसेसरी तो भी ईजी है,
इट इज ऑल्सो नेसेसरी, हम लोग केवल यहाँ सेस को लिए और री को लिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी। जब भी किसी टर्म्स के बीच में वेरी आ जाए तो आप उसके ठीक पहले वाले टर्म्स को बड़ा कर देते हैं, जैसे इट इज़ वेरी नेसेसरी, हम लोगों ने इट इज़ नेसेसरी को ऐसा लिखा, जबकि यहाँ पे अगर इट इज़ वेरी नेसेसरी है तो हम लोग इट इज़ को बड़ा करेंगे और नेसेसरी को ऐसा लिख देंगे। बहुत ईजी है, आप इसको अपने कॉपी में छोटा लिखें, क्योंकि आप जितना कंसाइज लिखते हैं, आप जितने छोटे कर सकते हैं उतना बेहतर होता है, उतना ज़्यादा चांसेज होते हैं कि आप एक अच्छा स्टेनोग्राफर बन सकते हो, ठीक है। और वो अकॉर्डिंग टू टाइम आ जाते हैं, क्योंकि आप सारे स्ट्रोक्स को इतने बड़े बना करके आप स्पीड गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो द नेक्स्ट टर्म इज सीरियस व्यू, है ना, 26 नंबर कर रहे हैं हम लोग, सीरियस व्यू, वेरी इजी, सीरियस, ये ऐसे सीरीज ही पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे ये साथ साथ आया है इसलिए सीरियस व्यू के लिए ऐसे कर देंगे, सीरियस व्यू, ठीक है। जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं उनके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, सीरियस भी हुए हो गए, और अगर आप लिखना चाहो तो एक ऐसे भी लिख सकते हो, सीरियस में यू लगा दो तो सीरियस भी हुए भी हो सकता है ना, इसमें कोई डॉट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सीरीज, आएंगे, लेट मी ड्रॉ वन लाइन फर्स्ट, सीरीज, यहाँ बॉवल दे देंगे, क्लियर हो जाएगा कि सीरीज ही है ना। सो आज का वीडियो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, हमने इसके कई पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, है ना, हमारे चैनल है एमेजिंग स्टेनो, तो आप इस पे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस चैनल पे, एंड आई थिंक इट इज़ ओनली वन चैनल ऑन द यूट्यूब दैट इज़ प्रेजेंट, तो दैट आर गिविंग बोथ काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर हिंदी स्टेनोग्राफर्स or the English stenographers. So don't forget to subscribe it and press the bell icon if you want to get notification or keep yourself updated, and like and share with your friends in your groups, whoever you want to make them learn or you want to grab something extra or something extraordinary. So that's all. Thank you. Jai Hind.